हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आस्था एलएलबी। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है जो आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है, तो एंड तक पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी योजना निकाली है जिसका नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। तो जैसे कि आपने टाइटल पर देख ही लिया होगा, मैं आज आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स देने वाली हूं और साथ ही एंड में ये भी बताऊंगी कि वह अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है जहां आपको जाकर ये काम तुरंत करना है। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूं। दिल्ली सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए फ्री कोचिंग स्कीम की शुरुआत की है। IAS और PCS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शुरू की गई स्कीम जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का उद्देश्य समाज के वंचित तबके के छात्रों की पढ़ाई में मदद कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये योजना है क्या? आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराना। दिल्ली सरकार इस योजना की मदद से छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा पास करने और जॉब दिलाने में मदद करती है। सरकार की इस योजना से गरीब और पिछड़े समुदाय के छात्र भी IAS, PCS, प्रबंधन, मेडिकल इंजीनियरिंग आदि की कोचिंग कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि छात्र किस तरह की कोचिंग कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के ग्रुप ए और ग्रुप बी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, रेलवे नियुक्ति बोर्ड RRB और न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि जुडिशरी। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ग्रुप ए और ग्रुप बी की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र बैंक, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU में आधिकारिक स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र IIT, मेडिकल, कैट, क्लैट और इस तरह की अन्य प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने वाले छात्र। यह योजना कैसे लागू होती है? यह स्कीम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, NGO या निजी संस्थान द्वारा लागू की जा रही है। ये भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत रजिस्टर्ड छात्रों को कोचिंग फीस के अलावा 2500 रुपये तक की प्रति महीने मदद मिलती है। छात्रों को इससे क्या फ़ायदे होंगे? आपको कोचिंग संस्थान की चयन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर आपके परिवार की कुल सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है तो आपके कोचिंग की पूरी फीस माफ़ हो जाएगी। अगर आपके परिवार की सालाना आय 2 से 6 लाख रुपये के बीच है तो आपकी कोचिंग फीस का 75% दिल्ली सरकार उठाएगी। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में कौन कर सकता है आवेदन? अगर आपने दिल्ली से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है, आप दिल्ली के मूल निवासी हैं, आपके परिवार की कुल सालाना आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, अगर आपका नाम दिल्ली सरकार के किसी विभाग ने नॉमिनेट किया हो। योजना का लाभ लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? दिल्ली का राशन कार्ड, मूल निवास का प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की कक्षा में पास होने का सबूत, कोचिंग में एडमिशन से संबंधित प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। लाभ पाने की और भी शर्तें हैं। एक छात्र को इस योजना में 2 बार से अधिक लाभ नहीं मिल सकता। दूसरी बार कोचिंग लेने में कुल फीस का 50% ही सरकार उठाएगी। जिस परीक्षा में प्री और मेंस 2 स्टेप हैं, वहाँ दोनों की तैयारी के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। छात्रों को कोचिंग सेंटर में नियमित क्लास करना होगा। बिना किसी ठोस वजह से 15 दिन से अधिक कोचिंग नहीं करने पर योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी कि आपको रेगुलर क्लास करनी है। कोचिंग का लाभ लेने में सरकारी और निजी स्कूल के छात्रों का अनुपात 75:25 होगा। कोचिंग क्लास तक आने जाने के लिए छात्रों को 2500 रुपये महीने का स्टाइपेंड भी मिलेगा। अब जानते हैं कि आपको इसके लिए आवेदन कैसे करना है। दिल्ली फ्री कोचिंग स्कीम 2019 एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसी भी कोचिंग सेंटर की परीक्षा को पास करना होगा। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले अपने आप को एक सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्टर करवाने के लिए रजिस्टर फॉर्म भरें। ये निश्चित रहे कि सारी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए। फॉर्म को ऑनलाइन सफलतापूर्वक सबमिट करें या फिर सेंटर पर जाकर भी आप इसे सबमिट करा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जहां पर जाकर आपको ये फॉर्म भरना है। आपके अपने दिल्ली शहर में PLA पाहुजा लॉ एकेडमी, जो कि आपकी जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के अंडर में आ गया है, वहाँ आप जाकर
इसका आवेदन कर सकते हैं। पाहुजा लॉ एकेडमी का पूरा एड्रेस आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप वहाँ जाकर आवेदन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर पहुंचकर अपना फॉर्म फिल करें। पाहुजा लॉ एकेडमी का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर जाकर इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप वहाँ जाइए, अपना फॉर्म फिल करिए, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो दोस्तों, ये था इस योजना के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।